हारी श्रॉफ जब वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बाय चांस मैंने ही सवाल पूछा कि फास्ट बॉलर्स में जो अग्रेशन होता है वो पाकिस्तानी बॉलर्स में क्यों नज़र नहीं आता। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जंग लड़ने नहीं जा रहे भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं मैं लड़ूँ उनसे। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स है, मैं आपको पूरा उनका वो साउंड बाइट जो है ना, जो वीडियो है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मगर ये बात मैं आज अब दोबारा क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे और हारिस श्रॉफ बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। उस वक्त 147 की बॉल उन्होंने की, उन्होंने रोका और जब वो थ्रो करने लगे हारिस श्रॉफ तो बड़े गुस्से में की उन्होंने थ्रो, और साफ नज़र आ रहा था उनका एग्रेशन, उनकी आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन भी कि पाकिस्तान मैच हार रहा है। और एक ख़ास चीज़ थी उस एक थ्रो में पूरे मैच में जो शायद उससे पहले एक बार नज़र आई, वो कब नज़र आई उस पर भी हम बात करेंगे। मगर फिर जब उन्होंने अपना ओवर कंप्लीट किया और जाने लगे तो फील्ड अंपायर ने उनसे कहा, उनसे बातचीत की, ऑफ कोर्स क्या बातचीत की वो हारिस श्रॉफ बता सकते हैं, मगर अपेरेंटली वो यही बात थी कि आप अग्रेशन दिखा सकते हैं मगर आप झगड़े की तरफ नहीं जाएंगे। शाहीन अफरीदी भी पास आए थे, वो भी देख रहे थे कि क्या बातचीत चल रही है। बाद में हारिस श्रॉफ ने अपनी कैप ली और चल दिए। ये मैच में दूसरी बार ऐसा हुआ। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जब पांड्या ने इमामुल हक को बॉलिंग कर रहे थे, हार्दिक पांड्या, तो इमामुल हक ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफ साइड पे उनको चौका लगाया और उसके बाद सबने देखा कि पांड्या यूं जैसे कोई कुछ कर रहे हैं, अपने आप को गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई क्या हो गया, मैंने गलत बॉल क्यों डाली है। अगली बॉल पर उन्होंने इमामुल हक को आउट कर दिया और उसके बाद उन्होंने सेंड ऑफ दिया, वो सबको मालूम है, बाय बाय वाला। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि फ़ैन्स को शायद बुरी नहीं लग रही बल्कि गर्म जोशी दिला रही हैं, और ये शायद फ़ैन काफ़ी हद से मिस भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और बहुत से लोग इस बात पे आवाज़ें भी उठा रहे थे कि यार क्रिकेट में फील्ड के अंदर तो थोड़ा बहुत अग्रेशन आना चाहिए ना, खासकर फास्ट बॉलर में आना चाहिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि लिमिट क्रॉस हो बट फास्ट बॉलर में आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन था जो शायद मैंने हारिस श्रॉफ से पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका क्या जवाब था मैं आपको दिखाता हूँ। बट वो जवाब भी ठीक था अपनी हद तक कि उन्होंने एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जो जवाब देना चाहिए वैसा ही उन्होंने दिया, मगर क्या था वो आपको दिखाता हूँ। एक गिला रहता है फैंस को कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में जो पहले फास्ट बॉलर्स में आग होती थी, स्पेशली इंडिया के खिलाफ मैच में, कि बड़ा चढ़ के होते थे और आंखें दिखाना, वो वाले सीन देखने को नहीं मिलते हैं पाकिस्तान टीम जब आप लड़ाई करते उनके साथ। नहीं मतलब थोड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, जंग थोड़ी लगी हुई है, अग्रेशन मतलब अग्रेशन नजर आता है जी बिल्कुल। बाकी लोगों को बिलीव हो या नो, हमें एज अ टीम अपने आप पे काफी बिलीव है कि वी आर द बेस्ट, हम अपना बेस्ट देंगे। लोगों को नहीं देखते कि लोग हम पे यकीन करें ना करें, हम जब आप खुद जो खेलने वाले लड़के हैं अगर हम आपस में एक बिलीव रखेंगे तो तब भी कुछ रिजल्ट आते हैं। अलहमदुल्ला जब हम खेल रहे होते साथ में कोई मसला नहीं है। दोस्तों जब मैंने ये सवाल पूछा था ना, तो हारिस श्रॉफ वर्सेस ईशान किशन, आपको याद होगा पाले किले का मैच जब पाकिस्तान इंडिया का था, तो ईशान किशन बहुत अच्छे से खेल रहे थे तो हारिस श्रॉफ ने उनको आउट किया था और बाद में यूं उंगली के साथ इशारा किया था कि भाई आप जाओ अपने पवेलियन की तरफ। तो उस पर इंडियन काफ़ी फ़ैन जो थे उन्होंने कहा था कि यार ये किस तरह का दे रहे हैं, सब अच्छे से मिल रहे हैं, तो ये वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट के अंदर जब आप जान लगा के खेल रहे होते हैं, खासकर जो फास्ट बॉलर होता है उनमें जो हीट होती है ना, उस वक्त जब गुस्सा होता है, इतना तेज़ बॉल कर रहे होते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन खासकर तब हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये गुस्सा आना एक नेचुरल है फास्ट बॉलर्स का। और शायद मुझे लगता है कि क्रिकेट फैंस को काफ़ी हद तक ये अच्छा भी लगता है कि यार ज़रा फंस के मैच हो, ज़रा चढ़ के खेलें, ये वो चीज़ें हैं जो सब देखना चाह रहे हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर इन चीज़ों को से हटके बाबर आजम विराट कोहली की जब भी चल रही है, रोहित शर्मा से मिल रहे हैं, हंसी मुस्कुराहट का तबादला हो रहा है, तो लोगों ने ये पसंद किया। मगर चूंकि अब ये काफ़ी अरसे से ये जफियाँ चल रही थी तो इसके ऊपर बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। गंभीर ने भी कहा कि भाई ये प्यार दोस्ती मोहब्बत सब चलता है, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, बट आफ्टर मैच, नॉट बिफोर मैच। और काफ़ी पाकिस्तान से भी लोग बोल रहे थे कि यार हाँ एग्रेशन तो दिखे लाजमी। सिकंदर बख्त हैं जो यहाँ पे क्रिकेट में खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत तनकीद भी करते हैं, वो कहते हैं कि वो फास्ट बॉलर ही क्या जो चढ़ के बॉलिंग ना करे। चढ़ के मीन हमारे यहाँ एक स्लैंग वर्ड है जिसको बोलते हैं कि भाई गुस्से से और अग्रेशन के साथ आपको बॉलिंग करनी चाहिए। तो मुख्तलिफ थाट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है ये यारी दोस्ती भी ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह खेलनी चाहिए जैसे कीवीज खेलते हैं एक्चुअली में। बट दोनों सीन हैं, दोनों के फैंस हैं, मतलब दोनों चीज़ों के फैंस हैं, दोनों चीज़ों के नाकदीन भी हैं, तो ये एक सब है। मगर क्रिकेट के अंदर जो डिस्कस होता है ऑफकोर्स वो यही चीज़ होती है कि कैसा एग्रेशन दिखाया किस प्लेयर ने। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है आप अपनी कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।